मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है और इस वक्त जो मैं आपको ग्राफिक्स के थ्रू यानी डायग्राम के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप डायग्राम भी देखकर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट अगर डायग्राम पिक्चर देख के समझते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा पिक्चर हमारे सामने है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ये सब का फुल फॉर्म पूछ सकता है। जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप देख सकते हैं, नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, लैन मैन वैन पैन, तो किसी का भी एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म आपके सामने है, लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज़ लैन, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये मैन क्या है, नेटवर्किंग का टाइप है, वैन क्या है, नेटवर्किंग का टाइप है, पैन क्या है, टाइप है। तो पिक्चर देख के समझ में आ गया। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ए एन आप देखें लास्ट का जो है ना, सबका ए एन, सबका फुल फॉर्म एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। आपको सिर्फ एल फॉर लैन, एम फॉर मेट्रोपोलिटन, डब्ल्यू फॉर वाइड एंड पी फॉर पैन, इतना आप याद करके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा पिक्चर है। हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, एच टी टी पी का फुल फॉर्म। तो हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे पिक्चर के थ्रू कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म तो वैसे यहाँ लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट ये काम कैसे करता है, थोड़ा ये पिक्चर ब्लर है तो मैंने समझाने के लिए डाउनलोड किया ये पिक्चर। तो आप देखें यहाँ पे ये यहाँ पर आप है, यहाँ है, ये क्लाइंट है और ये इंटरनेट में सर्वर है, ठीक है, बीच में इंटरनेट होता है, ये सर्वर है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट जो है वो कनेक्शन पहले करता है सर्वर से। जैसे अगर आप फेसबुक ओपन करना चाहते हैं तो पहले आप एड्रेस बार में facebook.com लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन की इस्टेब्लिश के बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये पेज चाहिए, तो सर्वर आपके रिक्वेस्ट को पढ़ता है और रिस्पॉन्स देता है, आपके स्क्रीन पे वो फेसबुक का साइट खुल जाता है। जब आप काम कर लेते हैं तो क्लोज करते हैं, तो हम दोनों के यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो टर्मिनेट होता है, ख़त्म हो जाता है, क्लियर है। अब एच टी टी पी का दिमाग में भी आपका आ गया होगा होता क्या है, और फुल फॉर्म भी आ गया होगा, एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, टी फॉर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला पिक्चर देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा। हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है, आप पहचान के जाएं आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, इनपुट डिवाइस कौन कौन है। अगर आप देख लें, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेब कैम है, माइक्रोफोन इधर, इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा डालते हैं, आउटपुट डिवाइस जिससे हमें डेटा मिलता है आउटपुट डिवाइस में, जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, स्कैनर है, प्रोजेक्टर है। पिक्चर को, डायग्राम को अच्छे से देख के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें। और एग्ज़ाम चूँकि कल या हो सकता बहुत सारे स्टूडेंट का परसों है, आप जाएं और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अगला पिक्चर देखते हैं क्या है। ये भी फुल फॉर्म पूछेगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देख लें इस तरीके से सिस्टम में लगाया जाता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। ये कंप्यूटर में इनसाइड में जो सॉफ्टवेयर डाली जाती है वो शुरू में वो होता है, रैम जो है जहाँ पे हम काम करते हैं और हमारा जो डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, तो उसमें उस वो चीज़ रैम रैम में होता है, ठीक है। रैम जितना आपका ज़्यादा रहेगा काम उतना स्पीड करेगा, फास्ट करेगा। तो रैम एंड रोम, डायग्राम से समझ में आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला पिक्चर देखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, चूंकि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये तीन चीज़ें हमने आपको बताई थी ऑलरेडी पहले भी बहुत एक्सप्लेन करके, उस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। इंटरनेट पूरी दुनिया के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। इंट्रानेट जो है वो आपका लोकल होता है, जिसको हम लैन भी कह सकते हैं, है ना, लैन भी कह सकते हैं। ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, बट ये पर्सनल प्राइवेट होता है इंट्रानेट। उसके बाद एक्स्ट्रानेट क्या होता है, बाहर जो है कुछ कस्टमर से भी, कुछ बिजनेस से भी कनेक्ट हो सकता है, और अपना पर्सनल नेटवर्क भी होता है, ठीक है। यानी एक्स्ट्रानेट जो है लैन ही होता है, एक्चुअल में लैन के साथ बाहर से कुछ कनेक्शन जो होती है, यानी कि एक कंपनी के दो ब्रांच होंगे एक दूसरे अलग अलग जगह पे, तो आपस में कनेक्ट होंगे वाया इंटरनेट, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट, ठीक
ठीक है, इस एक्स्ट्रानेट में हम और आप नहीं जा सकते जब तक हमको ऑथोराइज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब इंटरनेट तो सब लोग यूज़ करते हैं, फ्री है, पब्लिक के लिए है, पब्लिकली इसको यूज़ किया जाता है। तो आप समझ लें, इंटरनेट को आप वैन की तरह समझें, वाइड एरिया नेटवर्क, इंट्रानेट को आप लैन की तरह समझें, लोकल एरिया नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट को आप मैन की तरह समझें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप कि आपको पिक्चर देख के बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। रियली में अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपका ये भी हक बनता है कि दूसरों को शेयर करें, और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रोथ करने की कोशिश करें। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान में रखकर, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको समझाने के लिए अलग अलग मैं ट्रिक अप्लाई करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, एक और पिक्चर देखते हैं, शायद हो तो यहाँ पर, या है। इस पिक्चर को आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर तक रख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, खास करके सेकवन स्टूडेंट। ये थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है और ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। तो फिर भी मैं कुछ बता रहा हूँ कि आपको क्या याद करना है। एंड जो सबसे पहले ना, ये जितने सारे ये लॉजिक गेट होते हैं, गेट, ठीक है, लॉजिक के लिए गेट होता है, कंप्यूटर के अंदर में जो काम होता है वो गेट के बेसिस पे होता है। तो खैर, आप एंड जाने, एंड का मतलब होता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये ए इंटू बी है, यहाँ देखें, ए इंटू बी, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सिंबॉल इसका होता है, एक आउटपुट निकलता है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं इसमें। एंड और में क्या होता है, दो वैल्यू का सम हो जाता है। ठीक है, आप नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा पीछे का वीडियो जाकर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एंड और नॉट, ये तीन बेसिक है, एंड और नॉट। नॉट में क्या होता है, कोई भी वैल्यू उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर जीरो गया तो वन हो जाएगा, वन गया तो जीरो हो जाएगा। नॉट में हमेशा अपोजिट होता है, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन। ठीक है, तो आपको एंड और नॉट है, और सिलेबस में आपका नैन भी दिया हुआ है। नैन, नैन का मतलब होता है एंड के साथ नॉट लगा दीजिए, एंड के साथ नॉट लगा दीजिए, यानी जो एंड का होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंड का जो होगा ऑपोजिट हो जाएगा। देखें आप, एंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इंटू बी, और नैन में ए इंटू बी, बट ऊपर में बार है, कम्प्लीमेंट। ये कम्प्लीमेंट ये दर्शाता है कि इसका वैल्यू ऑपोजिट हो रहा है। ए इंटू बी में अगर मान ले वन आया हमारा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद कर लें, नैन जो होता है एंड और नॉट का यूज करके। यहाँ देखें ना, ये नॉट जो गोल जैसा छोटा सा सर्कल है ना, वो एंड वाले गेट में यहाँ पे लगा दिया गया, छोटा सा सर्कल। ठीक है, ये यहाँ पर देखें एंड वाले में। और एक और है, नॉर है, जो नॉर जो है और प्लस नॉट। आप देखें, नॉर में ओ आर जो है ये और है, एन फोर नॉट है। ये नॉर का सिम्बॉल यहाँ दिख रहा है ना, नॉर का सिम्बॉल यहाँ भी दिख रहा है, बट ये नॉट लगा हुआ है। तो ये भी नॉर जो है और का ऑपोजिट है, और में ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए प्लस बी के ऊपर बार है। तो एंड और नैन, नॉर और नॉट, ये दोनों को आप छोड़ सकते हैं, इसको ये नहीं पूछेगा। एग्जॉर एग्जॉर पूछ देगा तो आपकी किस्मत अच्छी होगी, बट नहीं पूछना चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एंड मल्टीप्लाई होता है वैल्यू, और वैल्यू प्लस होता है, नॉट वैल्यू उल्टा होता है, अपोजिट हो जाता है। और नैंड और नॉर याद रखेंगे, नैंड है तो एंड का नॉट, यानी एंड जो है उसका ऑपोजिट, नॉर है और का ऑपोजिट। तो इसको आप देख लें, अगर नहीं समझते हैं तो छोड़ दें, बाकी तो क्वेश्चन हम बताएं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखते हैं कुछ पिक्चर है तो, नहीं बस इतना ही पिक्चर था। तो मैंने बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिया, ये आएगा एग्जाम में, इसमें से तो आना ही है, और ये भी आप याद कर लें, और ये वाला चीज़। ठीक है, तो फिर देखते हैं शाम तक, कुछ और भी अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलता है। वैसे मैंने आपको तकरीबन 100 150 200 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। अगर आप वाकई में सारे वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो आप एग्ज़ाम 100 में एटलीस्ट 80+ ज़रूर लाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो।